यदि आपको आपका जीवन बहुत कठिन लगने लगा है तो आज इस वीडियो को जरूर देखना। सबको अपनी अपनी समस्याएं, किसी को पैसों की समस्याएं हैं, किसी को परिवार की समस्याएं हैं, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, किसी को खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है, किसी को मोटापा बढ़ा हुआ है, किसी को बीमारी चल रही है। सबकी अपनी समस्या, मानता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी समस्या छोटी है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि समस्या चाहे जो भी हो, उस समस्या को ठीक करने वाले, उस समस्या से बाहर निकलने वाले आप ही हैं। कोई और तो नहीं निकालेगा ना। अगर कोई निकाल भी दिया तो चलो वो परमात्मा की कृपा है, लेकिन ये आपका ही काम है कि आप अपने समस्या से बाहर निकले। चलो छोड़ो, हाँ आपकी समस्या बहुत बड़ी है, पर एक बार मेरे साथ इस बच्चे को देख लो। ये 10 साल का सरदार, जिसके पिताजी का देहांत हो गया है, जिसकी माताजी कहीं और रहती है ताकि ये इनके लिए पैसे कमा सके, ये अपनी बुआ के घर रहता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, अपनी बहन की देखरेख करता है और शाम को रोल बेचता है। और इतनी पूरे दिन इतना काम करने के बाद जब इनसे ये पूछा गया कि तुम इतना कुछ कैसे कर लेते हो बेटा, तो पता है उसका जवाब क्या आता है? कि गुरु गोविंद सिंह का पुत्र हूँ, मरते दम तक लड़ूंगा। 10 साल के बच्चे में ऐसा स्पिरिट, ऐसा तेज, क्यों? क्योंकि उसे अपने परमात्मा पर भरोसा है, उसे उस डिवाइन पर भरोसा है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो रखी है। 10 साल की उम्र में इतनी सारी तकलीफें, लेकिन वो एक बार ये परमात्मा के सामने ये नहीं बोल रहा कि मेरे पिता को आपने क्यों छीन लिया, मेरी माता को इतना मजबूर क्यों बना दिया कि मेरी माता मुझसे दूर है, मुझे अपने बुआ के घर रहना पड़ रहा है और ये सब करना पड़ रहा है। नहीं, उसके अंदर सिर्फ ये भावना है कि मेरे परमात्मा मुझे उबार लेंगे, मेरे परमात्मा मुझे बचा लेंगे, मेरे परमात्मा के सामने अपना कर्म मैं साबित करूंगा तो वो मेरे लिए प्रारब्ध लिख देंगे। आप समझ रहे हैं कि उस बच्चे को भी अपने कर्म पर कैसा विश्वास है, अपने परमात्मा पर कैसा विश्वास है, उस देने वाले के न्याय पर कितना विश्वास है। ठीक है, ये उसके प्रारब्ध थे, ये उसका भाग्य था कि पिता का साया उड़ गया, माताजी का साथ छोड़ गया, पर अभी जो भी है वो उसके साथ खड़ा है ना, लड़ रहा है। 10 साल का है, आपको नहीं लगता कि उसकी तकलीफ के सामने हम सबकी तकलीफें बहुत छोटी है? कितना कुछ सहना पड़ रहा होगा उसको, उसकी उम्र के बच्चे पता है, एक पेंसिल टूट जाने पर रोते हैं, एक पेन खो जाने पर, एक बॉल खो जाने पर दुखी हो जाते हैं। उसके तो माता पिता नहीं है। और हम छोटी छोटी समस्या, मेरा मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, मन करता है जान दे दूं, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से बात करने लग गया है, मन करता है जहर खा लूं, पैसों का लॉस हो गया है, बिजनेस डूब गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, मेरी मम्मी पापा के साथ मेरी बनती नहीं, मेरा भाई मेरा सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, मेरी बहन मेरे घर में बहुत कलेश करती है, मेरा बॉस बहुत जालिम है, मेरा मैनेजर चैन की सांस लेने नहीं देता, मेरे एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं करते, मेरा बिजनेस खा जा रहा है, मेरी दुकान के सामने किसी और की दुकान खुल गई, ये परेशानी, इसकी वजह से बीपी हाई हो रखा है, इसकी वजह से टेंशन लेके बैठे हुए। इस बच्चे का चेहरा देखो, चेहरे में मुस्कान है, सुकून है, खिलखिलाहट है, हंसते हुए लड़ रहा है। ठीक है, ये हमारे प्रारब्ध है कि हमारे जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आई है। और एक बात बता दूं, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, हर किसी के जीवन में। अब आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि गर्मी का मौसम है और मेरे मोहल्ले में वाटर लेवल नीचे जा चुका है, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, और रोज एक टैंकर आ जाता है नगर निगम की तरफ से पानी देने के लिए,
उस पानी में एक एक दो दो बाल्टी के लिए जो वहां लड़ाइयां होती हैं, जो लोगों का बर्ताव होता है एक दूसरे के प्रति, वो चाहते तो लाइन लगा के प्रेम से भर सकते थे, एक दूसरे को मौका दे सकते थे कि लाइन से आपने भरा, एक एक करके बढ़ते गए सबको प्रॉपर मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, जानवरों की तरह भीड़ लगाकर एक दूसरे को कोसते हुए, एक दूसरे को गाली देते हुए उस पानी को पा रहे। ये वही पानी है जिसे एक महीने पहले तक ये बर्बाद किया करते थे, फेंक फेंक के अपना आंगन धोया करते थे, हाँ अपने घर के बाहर ऐसे पाइप से फुहारा मारा करते थे। ये वही लोग हैं जो आधे आधे पौना पौना घंटे तक अपनी कार में पानी डाला करते थे। ये वही लोग हैं जो नल अपने ट्यूबवेल को चालू करके भूल जाया करते थे पानी ओवरफ्लो टंकी से गिर रहा है बाहर, और आज दो दो बाल्टी पानी के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं पड़ोसियों से जिनके साथ उनका इतना व्यवहार था, जिनके साथ वो होली और दिवाली मनाया करते हैं, उनके साथ आज वो बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। इतना टेंशन दो बाल्टी पानी के लिए, इसके माता और पिता नहीं है, इस बच्चे का वर्तमान कैसा हो गया है, उसके बाद भी चेहरे पे मुस्कान है, वो क्या बनेगा, कैसा योद्धा बनेगा वो अपने जीवन में। और यहाँ मेरे मोहल्ले में हमारे आसपास के लोग कुछ पानी के लिए, बाल्टियों के लिए ऐसा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं जबकि बहुत आसान है। थोड़ी देर के बाद, आधे पौना घंटे के बाद पानी मिलने के बाद टैंकर आ रहा है, आ रहा है, टैंकर नहीं रुक रहा, टैंकर आ ही रहा है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आराम से पानी मिलेगा। उसी में कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से निकलते ही नहीं, जब सबका हो जाता है तब फिर आते हैं, अपना टैंक अपना बाल्टी रखते हैं, भरते हैं, हंसते हुए लेकर के जाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना, आप समझ रहे हैं। परमात्मा सब ठीक कर देते हैं, आपको इस तरह से बदतमीज होने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से अपना खून उबालने की जरूरत नहीं है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से जीवन जिया जा सकता है दोस्तों, बहुत सुकून से जीवन जिया जा सकता है ना। जैसे ये बच्चा, वाहेगुरु का पुत्र हूँ, हाँ आखिरी दम तक लड़ूंगा, विश्वास, आस्था, प्रेम। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, करेंगे और अच्छी बातें, है ना। नमस्ते आजी।